नमस्कार। सो ये इन्फॉर्मेशन है, दो लोगों के रेलिवेंट ज्यादा है। एक जिनको दिल्ली का कोटा मिलता है बिकॉज ऑफ 11th-12th इन दिल्ली, और दूसरा ऑल इंडिया आर्मी के लोग, इंडियन आर्मी के, क्योंकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने भी अपनी MBBS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग पार्टिसिपेशन लाइव कर दिया है। आज सुबह से लाइव हो गया है जो कि 14 तारीख तक अवेलेबल है। देखिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, 3 MBBS कॉलेजेस हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। फिर से समझ लीजिए, IT डिग्री 5 मेडिकल कॉलेज के लिए देता है, इन 3 के अलावा राम मनोहर लोहिया और वर्धमान महावीर। लेकिन वर्धमान महावीर और राम मनोहर लोहिया की जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो भी MCC करवाता है, जब वो बाकी DU की करवाता है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है दिल्ली में। IP का जो काम है, काउंसलिंग की मैं बात करूं तो वो 2 के लिए 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करता है, विच इज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कॉलेज जो रोहिणी में है, और NDMC कॉलेज जो कि हिंदुराव हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है। इसके अलावा आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की काउंसलिंग की प्रोसेस, चूंकि वो IT के अंडर आता है, वो भी इसी पोर्टल के थ्रू होती है। ऑफकोर्स उसमें कोई दिल्ली का ऐसा 85% स्टेट कोटा नहीं है। सीट्स आर एक्चुअली अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया आर्मी पीपल, प्लस देर आर फ्यू सीट्स अवेलेबल फॉर दिल्ली SC एंड दिल्ली शेड्यूल ट्राइब बिकॉज ऑफ दी रिजर्वेशन, बट दिल्ली जनरल के लिए कोई सीट नहीं होती उस कॉलेज में। उस कॉलेज की फीस भी 5 लाख रुपए पर ईयर होती है, रिजर्वेशन बाकी सरकारी कॉलेजेस जिनकी फीस काफी नॉमिनल होती है। सो जैसा मैंने कहा, 7 तारीख से 14 तारीख तक अवेलेबल है। दो तरह के बच्चे हैं, आप कैसे कई ऐसे हुए जिन्होंने 1200 रुपीज देके 2 महीना पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, उनको भी 1000 रुपीज मोर देने हैं, जिसे हम वो कहते हैं काउंसलिंग फीस। जिन्होंने पहले 1200 रुपए नहीं दिए थे वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो पहले 1200 रुपए देंगे रजिस्ट्रेशन के और फिर 1000 रुपए देंगे काउंसलिंग फीस के, तो 2200 रुपए टोटल देंगे। सेम IPU.admission.NIC.in पे जाएंगे, बड़ा बड़ा लिंक नीचे आता है काउंसलिंग 2021, क्लिक करेंगे। पहले आपसे एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन, आपको पता है वो पूछते हैं, और एक बार आपने वो जेनरिक इन्फॉर्मेशन भर दी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबमिट कर देते हैं, फिर वो आपसे अगले स्टेप में पूछते हैं कि आप किस कोर्स के लिए कर रहे हो, बिकॉज IPU का कॉमन एक तरह से प्लेटफॉर्म है, और IPU एज वी नो बहुत सारे कोर्सेज की काउंसलिंग चल रही है। तो होम पेज पे आपको अलग से MBBS के लिए लिंक नजर नहीं आएगा आपकी जानकारी के लिए। एक बार आपने कर दिया है तो फिर आप नॉर्मल प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा, अभी कोई डिटेल ब्रोशर के अलावा नहीं है। अपनी जान को कहते हैं कि जब हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही चेक होते हैं। वो 8 तारीख से शुरू कर देंगे 16 तारीख तक, क्योंकि आज से हम काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, डिफेंस हो, आर्मी के लोग हो। अब देखिए, IP में ये भी है, ACN में सिर्फ आर्मी की सीटें हैं, जबकि बाकी 2 कॉलेज में डिफेंस के लिए सीट्स है, रिजर्व है कुछ सीटें, डिफेंस इज ऑल, और ऑफकोर्स उसमें प्रायोरिटी चलती है एज वी नो, वेयर एज आर्मी के लिए इज ओनली फॉर इंडियन आर्मी सर्विंग पर्सनल्स और एक्स आर्मी पीपल जिन्होंने कम से कम 10 साल सर्विस करी हो। तो ACMS के सीट्स के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, जो कि 200 पेज का IPU का ब्रोशर था, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि पेज नंबर 103 जो 209 पेजेस का ब्रोशर था, उसमें 104 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। टोटल 100 सीटें ACMS में। मैं आपको क्विकली बताऊं तो ये कहते हैं कि मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस, चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल ग्रांटेड अवॉर्डेड रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चिल्ड्रन ऑफ एक्स आर्मी पर्सनल हु हैज टेकन डिस्चार्ज आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो उन्हीं के लिए एलिजिबल है। प्लस और भी 10-12 डॉक्यूमेंट्स है, चूंकि जेनरिक वीडियो है, मैं ये कहूंगा कि इंडियन आर्मी के लोग आप ब्रोशर IPU के में पेज नंबर 103 में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपके लिए सारी एलिजिबिलिटी गिवन है कि आपको किस किस को ये सीट्स मिल सकती हैं। इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि एयरफोर्स, नेवी, CRPF, BSF, ITBP, असम राइफल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ACMS अगेन द सीट रिजर्व फॉर वॉर्स विडोज ऑफ आर्मी पर्सनल्स, राइट। तो दिस कॉलेज इज प्राइमरली फॉर इंडियन आर्मी, राइट। तो ये अक्सर हम आर्मी को ना मानते हैं कि जो भी यूनिफॉर्म्ड है वो आर्मी वाला है, इज बेसिकली इंडियन आर्मी पर से। ओके, इसके अलावा अगर मैं
नोटिफिकेशन की बात करूं तो हमने बोल दिया 11-12 जिसने भी करी है, हाँ तो दिस इज ऑल फॉर MBBS, ओके। या सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक एंड होप यू आर एबल टू क्रैक योर ड्रीम सीट। बाय बाय।